देखिए एक हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर कोई एक कलाकार आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा कलाकार उसका पीछे से टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करता है और तरह तरह के उस पर कटाक्ष करता है। लेकिन वहीं पे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है जहाँ पे राजकुमार राव जैसे टैलेंटेड कलाकार जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अपने दम पर फिल्में हिट कराने का ऑरा रखते हैं और उन्होंने कई सारी फिल्मों को हिट कराया भी है, लेकिन फिर भी जब उनसे पवन सिंह के बारे में पूछा जाता है तो क्या गजब का बंदा जवाब देता है। काटी रात में भी बहुत ज्यादा मजा आया था बिकॉज उनकी आवाज में है एक बहुत टैलेंट है उनकी आवाज में, बहुत अलग आवाज है उनकी, सबसे अलग साउंड करती है और बहुत पॉपुलर है। आपको इस फिल्म में तो स्क्रीन भी शेयर किया है, काटी रात में हमने लखनऊ में वो गाना लॉन्च किया था, तब मैंने उनका क्रेज देखा था लोगों के बीच में कि कितने कितने बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। कहीं नहीं, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप आई नई सॉन्ग से पहले पवन सिंह को जानते थे, तब भी उन्होंने बड़ा ही बेजोड़ जवाब दिया। ऑफ कोर्स लॉलीपॉप पे सर हर पार्टी में डांस किया हमने, लॉलीपॉप लागेलु कमरिया। पवन सिंह जी और मैं आई थिंक ये कॉम्बो वर्क किया काटी रात में, चुमा भी बनाया है तो लकड़ी चुमा भी अच्छा जा रहा है, आगे भी ये भी अच्छा जा रहा है तो फिर आगे भी कुछ करेंगे। और इन दोनों बैक टू बैक सुपरहिट सॉन्ग देने के बाद पवन सिंह के तो राजकुमार राव पूरी तरह से फैन हो चुके हैं और राजकुमार राव ये मानते हैं कि हाँ पवन सिंह एक ऐसी चीज है, एक ऐसा नाम है जो अपने दम पर भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ पहुँचाने की ताकत रखता है। और ये केवल राजकुमार राव ही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम सारे बड़े कलाकार भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए ना, कई सारे कलाकार ट्रेंडिंग में जाने के लिए तरसते रहते हैं, कई लोग तो म्यूजिक सेशन में नंबर वन का मूव ही नहीं नसीब हो पाता है, और एक अपने पावर स्टार है जो नंबर वन पे जाते भी है फिर देवी मैया का गीत ऊपर चला जाता है ना, फिर पवन सिंह का वापस से गाना नंबर वन बन गया है। ये गाना रील्स पे भी काफी वायरल हो रहा है, सिनेमा हॉल से भी इस गाने को लेकर काफी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मतलब पूरी तरह से गाना सुपर डुपर हिट होता जा रहा है। और जो ये मूवी है विक्की और विद्या की वो वाली वीडियो, उसमें सबसे बड़ा गाना ये बनके तैयार होने वाला है। तो ये सारा फैंस का प्यार तो है ही, ये तो मानने वाली बात है कि पवन सिंह को उनके जो चाहने वाले हैं वो कितना चाहते हैं ये दिख जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, जताने की जरूरत नहीं है। और पवन सिंह का पावर क्या है, पवन सिंह क्या मायने रखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, ये भी अब बखूबी वो दिखा रहे हैं। ये होता है एक बड़प्पन कि आप कितनी भी बड़ी ऊंचाई पे चले जाइए लेकिन आपका जो बात करने का लहजा है वो नरम ही रहेगा, आप अपनी ऊंचाइयों को खुद भी नहीं लेंगे, आप दूसरे को उसका तवज्जो देंगे, श्रेय देंगे, ये बड़े कलाकार की पहचान होती है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।